हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेज़िंग अरुण। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में जिसका नाम है मिस मार्वल, जो कि डिज्नी प्लस और मार्वल की नई सीरीज है। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम कमाला खान होता है और वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन होती है। और हम देखते हैं कि कमाला खान का एक यूट्यूब चैनल होता है जिसका नाम स्लोथ बेबी प्रोडक्शन होता है और वो उस चैनल के ऊपर अपने वीडियो अपलोड किया करती थी जो कि एवेंजर्स और कैप्टन मार्वल से रिलेटेड होती थी। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर को सुनते हैं जो कि खुद कमाल खान की वॉइस होती है और वो वहां पर बता रही होती है कि वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है और उसने कैप्टन मार्वल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। जिसके बाद वहां पर थानोस और एवेंजर्स की लड़ाई के बारे में बात करती है जहां पर वो कहते हैं कि एवेंजर्स बुरी तरह से हारने वाले थे और तभी उनकी मदद कैप्टन मार्वल ने की थी, इसी वजह से वो थानोस से जीत पाए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमाला को उसकी मोम की आवाज आती है, उसकी मोम से बुला रही होती है, जिसके बाद वो नीचे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सब उसको ध्यान से कार चलाने के लिए कह रहे होते हैं और वो उसे बार बार मिरर में देखने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि आज कमाला का ड्राइविंग टेस्ट होने वाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमाला अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो वहां पर कार को आगे चलाने के बजाय उसे रिवर्स गियर में ले जाती है और पीछे खड़ी कार में टक्कर मार देती है जो कि उसी इंस्ट्रक्टर की होती है जो कि कमाला का ड्राइविंग टेस्ट ले रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर कमाला खान को उस ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला खान के पेरेंट्स उस इंस्ट्रक्टर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि वो ऐसे फेल नहीं हो सकती और वो इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कमाला खान उस ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दी जाती है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ घर ले जाते हैं जहां पर उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम ऐसे नहीं रह सकती, तुम अपने ख्यालों की दुनिया में नहीं रह सकती, तुम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आना होगा। हम देखते हैं कि कमाला हर वक्त अपने ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी और वो कैप्टन मार्वल को ही अपना सब कुछ मानती थी। अब हमें कमाला के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने स्कूल में जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं क्योंकि वो हर वक्त अपने ख्यालों में रहती थी, इसलिए उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। अब हम देखते हैं कि वहां पर ब्रूनो नाम का लड़का आता है जो कि कमाला से आके मिलता है और वो कमाला का बेस्ट फ्रेंड होता है। और साथ ही वहां पर एक लड़की भी आती है जिसका नाम नाकिया होता है और वो भी कमाला की और ब्रूनो की फ्रेंड होती है। अब हम देखते हैं कि वो एक एवेंजर्स कौन के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां पर उन्हें जाना होता है क्योंकि वहां पर एवेंजर्स का कॉस्प्ले होने वाला था जिसमें कमाला खान और उसके दोस्त भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब हम देखते हैं कि कमाला अपने स्कूल में होती है और तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें मिस्टर विल्सन नाम का एक आदमी बोलता है जो कि कमाला को उसके कैबिन में बुला रहा होता है। जिसके बाद कमाला उसके कैबिन में चली जाती है। अब कमाला उसके कैबिन में पहुंच जाती है जिसके बाद विल्सन उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही नहीं रह सकती, तुम बहुत ज्यादा ख्याल में खोई रहती हो जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रेड्स लगातार गिरते जा रहे हैं और तुम्हारी परफॉर्मेंस भी स्कूल के अंदर अच्छी नहीं है और साथ ही उसकी टीचरों से भी नहीं बनती थी। और मिस्टर विल्सन कमाला को बताते हैं कि तुम 11th क्लास में हो और उसके बाद तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में सोचना होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद कमाला ब्रूनो के साथ उसकी शॉप पर चली जाती है जहां पर वो अपने कैप्टन मार्वल वाले सूट को तैयार कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि वहां पर कमाला और ब्रूनो दोनों एवेंजर्स कौन में जाने की बात कर रहे होते हैं कि वो वहां पर कैसे जाएंगे क्योंकि कमाला को वहां पर जाने के लिए अपने घर से परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे वहां पर जाने नहीं देंगे। और साथ ही वो अपनी कॉस्ट्यूम भी वहां पर लेकर जाना चाहती थी क्योंकि वो वहां पर कॉस्ट्यूम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और वो कैप्टन मार्वल की तरह ड्रेस पहनकर उस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहती थी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कमाला वापस अपने घर आ जाती है जहां पर उसकी मोम एक पुराना सा बॉक्स ले रही होती है जो कि उसकी नानी का होता है और उसके अंदर बहुत सारा पुराना सामान होता है जहां पर कमाला को एक ब्रेसलेट भी मिलता है जो कि उसकी नानी का होता है। और कमाला अपनी मोम से कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ही कूल है, क्या ये नानी का है। जिसके बाद कमाला की मोम उससे उस सामान को छीन लेती है और वो उसे उसके भाई आमिर को दे देती है और वो उससे कहती है कि तुम इसे स्टोर रूम के अंदर रख दो। जिसके बाद कमाला की मोम उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसके बड़े भाई आमिर की शादी होने वाली थी, इसलिए वो उसकी शादी की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कमाला एक दुकान के अंदर एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है लेकिन वो उसे फिट नहीं आ रही होती है क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है, इसलिए वो दुकानदार उससे कहता है कि तुम्हारी हाइट छोटी है इसलिए तुम्हें ड्रेस फिट नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दुकान में उसकी मोम के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो कि उसे एक लड़की के बारे में बताती है जो कि अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला और उसकी मोम वापस से शॉपिंग करके अपने घर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रूनो कमाला के फादर के साथ होता है, यहाँ पर वो एक सिक्योरिटी कैमरा टाइप सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं और साथ ही वो एक असिस्टेंट भी होता है जो कि उनकी घर की चीजों को ऑपरेट कर सकता था। ब्रूनो उसका नाम जूजू सिस्टम बताता है और वो उसे कमाला के फादर को दे देता है और ब्रूनो कमाला से कहता है कि तुम अपनी मोम से बात करनी होगी। जिसके बाद कमाला की मोम ब्रूनो को कुछ खाना दे देती है और वो उस खाने को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कमाला हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बात करती है एवेंजर्स कौन में जाने के लिए और वो उन्हें बताती है कि हमें वहां पर अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मिलेगा और वहां पर हमें कुछ एजुकेशन सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि वो रात में पार्टी में जा रही है और वो उसे भेजने से मना कर देते हैं। जिसके बाद कमाला आमिर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अगर आमिर आपसे ऐसा करने के लिए कहता तो आप उसे आसानी से भेज देते, लेकिन आप मुझे नहीं भेजना चाहते क्योंकि आप लोग समझते हैं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जिसके बाद कमाला अपने रूम में चली जाती है।
अब हम देखते हैं कि कमाला का भाई उसके कमरे में आता है और वो उसे समझाता है कि तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं कुछ कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की, जिसके बाद वो वहाँ पर ब्रूनो को मैसेज कर देती है कि उसके पेरेंट्स नहीं माने। अब हम देखते हैं कि हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमाला अपनी मिस मार्वल की ड्रेस को ट्राई कर रही होती है जो कि बहुत ही टाइट होती है, तभी उसके रूम में उसकी मोम आ जाती है और वो उसे वहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसके सामने अपनी कंडीशन रख देती है जो कि ये होती है कि उसे वहाँ पर हल्की ड्रेस पहनकर जानी होगी, वो वहाँ पर अपनी टाइट ड्रेस नहीं पहन सकती। और उनकी एक कंडीशन ये भी होती है कि उसके पिता भी उसके साथ वहाँ पर जाएंगे, लेकिन कमाला अपनी मोम से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, वहाँ पर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, जिसके बाद उसके डैड और उसके मोम उसे वहाँ पर भेजने से मना कर देते हैं। अब हमें ब्रूनो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि उसकी शॉप के ऊपर ही उसका घर होता है और वो वहाँ पर बैठकर एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता था जिसका नाम टेलटेक होता है, और वो वहाँ पर एक तरह के ग्लव्स भी बना रहा होता है जो कि कॉस्मिक ग्लव्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रूनो के पास कॉल आती है जो कि कमाला की कॉल होती है और वो उससे कहती है कि सब प्लान फेल हो गया, अब हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, जिसके बाद ब्रूनो कमाला से कहता है कि तुम मुझे 10 मिनट के अंदर टेरेस पे मिलो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक टेरेस पर बैठे होते हैं जहाँ पर कमाला ब्रूनो से कहती है कि मैंने अपने मोम डैड को बहुत ही परेशान किया है और वो मेरी वजह से परेशान है और मेरे डैड आज रोए भी, मैंने अपने डैड को बहुत ही हर्ट किया है, जिसके बाद ब्रूनो से कहता है कि तुम उनसे सॉरी बोल दो, वो समझ जाएंगे वो तुम्हारे मोम डैड हैं, जिसके बाद कमाला ब्रूनो से कहती है कि मुझे लगता है कि वो सब सही कहते हैं, और वो कहती है कि मेरी मोम, मेरे टीचर्स और सभी जो लोग ये कहते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरा किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं रहता, वो सब सही कहते हैं, और वो उससे कहती है कि मेरी जैसी लड़की कहाँ दुनिया बचा सकती है, मैं बस ये सब ख्वाबों में देखती हूँ, जिसके बाद ब्रूनो से कहता है कि हाँ तुम बचा सकती हो, तुम टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को बचा सकती हो, और वो कमाला को फोटोन ग्लव्स देता है जो कि उसने खुद बनाए थे और उनके ऊपर उसने अपनी कंपनी का नाम भी लिखा होता है जिसकी कंपनी का नाम होता है ब्रूनो करेली कॉर्पोरेशंस। अब हम देखते हैं कि उन दोनों का मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कमाला वो अपने स्कूल में होती है और फिर से उसकी बोरिंग लाइफ जी रही होती है, यहाँ पर उसका ध्यान किसी भी चीज में नहीं रहता है और उसे बास्केटबॉल से चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं कि कमाला डिनर करके अपने कमरे में सोने के लिए जा रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पिता परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो जो डिवाइस था वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, और फिर कमाला के पिता उससे कहते हैं कि तुम इसे ब्रूनो को वापस दो, वो उसे ठीक करेगा, ये चल नहीं रहा है। उनकी बातें सुनकर कमाला को वहां पर एक आइडिया आ जाता है और वो एक प्लान बनाती है एवेंजर्स कॉन में जाने का, और वो ब्रूनो को एक एक करके अपना प्लान सुनाने लगती है। वो उसे बताती है कि हम जूजू का इस्तेमाल करेंगे एक पहरेदार की तरह, और वो उसे बताती है कि हम 5:30 बजे डिनर करेंगे, जिसके बाद वो बताती है कि मैं 5:49 पर पढ़ाई का बहाना करके वहां से चली जाऊंगी अपने रूम में। फिर वो बताती है कि वो 5:55 पर उस सूट को पहनेगी जो कि उसने बनाया है, और वो ब्रूनो से कहती है कि तब तक मैं उसे तैयार कर लूंगी, जिसके बाद वो घर की खिड़की से कूदने का प्लान बनाती है और वहां से भाग जाती है जहां पर उसे बाहर ब्रूनो मिलेगा और वो उसके साथ चली जाएगी, जिसके बाद ब्रूनो कमाला से पूछता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे रूम में आ गए तो तुम क्या करोगी, जिसके बाद कमाला उसे बताती है कि तभी तुम्हारा जूजू काम आएगा, और वो उसे बताती है कि जैसे ही मेरे दरवाजे पर दस्तक होगी तो जूजू वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देगा, और फिर वो उससे कहते हैं कि एवेंजर्स कौन जाने वाली बस को पकड़ेंगे, और फिर वो उससे कहते हैं कि उसके बाद हम 1 घंटे करेंगे कॉमिक कॉन के अंदर मजे, जिसके बाद 8 बज जाएंगे और फिर हमारा रियल रीजन शुरू होगा वहां पर जाने का, कॉस्प्ले कंपटीशन शुरू हो जाएगा जिसके बाद मैं वहां पर जीत जाऊंगी और मुझे एक ताज मिलेगा जिसके ऊपर बहुत सारे डायमंड्स लगे होंगे, और वो उसे बताते हैं कि उसके बाद हमारी फोटोज खींचेंगे, प्रेस के साथ इंटरव्यू होगा, उसके बाद मैं वापस से 9:22 पर अपने कमरे में पहुंच जाऊंगी जहां पर उसके पिता उसे देखने के लिए रोज आते हैं। इसके बाद कमला ब्रूनो से कहती है कि ये है मेरा परफेक्ट प्लान, जिसके बाद ब्रूनो से कहता है कि लेकिन वहां जाने का फायदा क्या जब तुम्हारी कॉस्ट्यूम ही तैयार नहीं होगी तो, और ब्रूनो कमला से कहता है कि हर कॉस्ट्यूम के अंदर उसे पहनने वाले का पर्सनल टच भी होना चाहिए, जिसके बाद ब्रूनो कमला से कहता है कि तुम्हारी मोम का पाकिस्तानी हल्का आइडिया बुरा नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला अपने घर में चली जाती है जहां पर स्टोर रूम होता है और वो स्टोर रूम के अंदर एक बॉक्स है और वो उसके अंदर कुछ चीज ढूंढने लगती है जिसे वो अपना पर्सनल टच बनाने वाली थी अपनी कॉस्ट्यूम के अंदर, और उसे वहां पर वही बॉक्स मिल जाता है जो कि उसकी नानी का था, और उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है जिसे वो उसके अंदर से ले लेती है और उस ब्रेसलेट को अपने पर्सनल टच के लिए अपने पास रख लेती है। अब हम देखते हैं कि एवेंजर्स कौन वाला दिन आ जाता है जहां पर कमला को तैयार होना था और वो अपने प्लान के मुताबिक चलती है, लेकिन सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं होता है, उसके टाइम में बहुत ही डिफरेंस होता है। वो 5:40 पर अपने रूम के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो वहां पर अपनी ड्रेस नहीं पहनती है और वो 5:55 पर तैयार होकर अपने घर की खिड़की से कूद जाती है, लेकिन वो डाली टूट जाती है जिसके ऊपर वो लटकती है और वो नीचे गिर जाती है, जहां पर ब्रूनो आ जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है, और ब्रूनो से बताता है कि एक बस जो कि एवेंजर्स कॉन के लिए जाने वाली थी वो छूट चुकी है और अब एक और बस है लेकिन वो नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों उस बस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रूनो अपनी साइकिल को लेकर अंदर चला जाता है पर कमाला की साइकिल भारी रह जाती है और वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद कमाला ब्रूनो से कहती है कि क्या हम उस साइकिल को वापस ले पाएंगे, क्या वो हमें वहीं पर मिल जाएगी, जिसके बाद ब्रूनो से कहता है कि हमारे शहर में नामुमकिन है। अब हम देखते हैं कि कमाला और ब्रूनो एवेंजर्स कॉन में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वो बहुत मस्ती करते हैं और अपने बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। वहां पर अनाउंसमेंट होता है
कॉस्प्ले कंपटीशन के लिए, जिसके बाद कमला तैयार होने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है और वो अपनी मिस मार्वल की ड्रेस को पहन लेती है। लेकिन जो ब्रूनो ने उसे फोटोन ग्लव्स बनाकर दिए थे वो उन्हें बाथरूम के अंदर ही भूल जाती है। जब हम देखते हैं कमला जैसी अपनी ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जो होता है, जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और वो भी वहां पर कैप्टन मार्वल की ड्रेस पहनकर आई थी। इसके बाद ब्रूनो और कमला उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसे तो कॉस्ट्यूम की कोई नॉलेज भी नहीं थी और ना ही एवेंजर्स की कोई नॉलेज थी। जिसके बाद कमला उसे कहती है कि क्या अब मुझे इसके साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। इसके बाद ब्रूनो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम ही जीतोगी। हम देखते हैं कि कमला वापस से बाथरूम की तरफ जा रही होती है उन ग्लव्स को लेने के लिए जो कि ब्रूनो ने बनाए थे, लेकिन ब्रूनो उसे वहीं पर रोक लेता है और वो कहता है कि फिर हम लेट हो जाएंगे। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम अपनी दादी का ब्रेसलेट पहन लो। हम देखते हैं कि कमला उस ब्रेसलेट को ओपन करती है और उसे पहन लेती है, जिसके बाद वो ब्रेसलेट और भी बड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक शील्ड की टाइप सा कुछ बना हुआ दिखाई देता है जो कि एकदम कॉस्मिक पावर जैसा होता है और उसे कुछ इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला का नंबर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी कॉस्ट्यूम को दिखाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे करती है तो उसके हाथ से एक कॉस्मिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कमाला की सब तारीफ कर रहे होते हैं और उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं और एक कॉस्मिक एनर्जी निकलकर आंटमैन के बड़े से स्टैचू पर लग जाती है और उसका हेलमेट वहां पर टूट जाता है। हम देखते हैं कि आंटमैन के स्टैचू का जो हेलमेट होता है वो रोल करने लगता है और वो वहां पर सब चीज तबाह करने लगता है और वो एक तार से टकरा जाता है जो कि टूट जाता है। और हम देखते हैं कि उस तार से एक थोर का हैमर बंधा होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, वो भी वहां पर स्विंग करने लगता है जिससे जोए टकरा जाती है और वो उसके ऊपर लटक जाती है और वो उससे नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन कमाला तभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो उसे अपनी कॉस्मिक एनर्जी से नीचे गिरने से बचा लेती है, जिसके बाद कमाला वापस से ब्रूनो के साथ अपने घर चली जाती है। हम देखते हैं कि ब्रूनो कमाला की मदद कर रहा होता है उसके रूम में पहुंचने के लिए और वो उसे छत पर चढ़ा रहा होता है, लेकिन कमाला की कॉस्मिक पावर्स फिर से इस्तेमाल होती है और वो अपने रूम में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही कमाला उसके रूम में पहुंचती है तो उसे वहां पर उसकी मोम मिलती हैं जो कि वहां पर पहले से ही बैठी होती हैं और वो उसका इंतजार कर रही होती हैं। अब कमाला की मोम उसे बहुत डांटती हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम बिना किसी को भी बताए अपने घर से कैसे जा सकती हो और तुम ऐसे ही रात में कैसे घूम सकती हो। जिसके बाद वो फिर से उसे समझाती हैं कि तुम अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जी सकती, तुम्हें उन ख्यालों से बाहर आना होगा, तुम अपनी मर्जी से ही सब कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें दूसरों की परमिशन भी लेनी होगी। इसके बाद वो अपनी मोम से सॉरी बोलती हैं और उसकी मोम वहां से चली जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कमाला हाथ को फिर से उठाकर देखती है और उसके हाथ में फिर से वो कॉस्मिक एनर्जी बह रही होती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अब इस एपिसोड के अंदर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं एक लेडी होती है जो कि कमाला की उस वीडियो को देख रही होती है जो कि एवेंजर्स कौन की होती है, जहां पर वो अपनी पावर्स दिखा रही थी, वो उसे एक आदमी को दिखा रही होती है। जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि ठीक है तो इसे यहां पर ले आओ और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें।